हेल्थ चेक बाय शेफ्रा। इन टुडेज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सारा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी अरेंज करती हूँ, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास क्या क्या है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में। तो मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड हूँ कपड़ों की, ज्वेलरी की, तो मेरे पास ढेर सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ तब से तो मैंने बहुत छोटी छोटी करके चीज़ें कलेक्ट कर रखी है, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आज मैंने वेयर किया व्हाइट साड़ी विथ ब्लैक ब्लाउज एंड व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पेयर करना तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले मैंने वेयर किया ये चोकर, जो कि मैंने लिया था अहमदाबाद से। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लेते वक्त मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं थोड़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी लूँ, क्योंकि जो चीप ज्वेलरी होती है जो रोड साइड मिल जाती है उनका लुक भी काफ़ी हल्का सा ही लगता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एक ज्वेलरी में, थोड़ा अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, अच्छी ज्वेलरी लीजिए। क्वालिटी बहुत मैटर करती है अच्छे लुक अचीव करने के लिए। तो ये थोड़ा सिल्वर जर्मन में है, पर इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये काफ़ी क्वालिटी वाइज सुपर्ब है। क्या था, ये मैंने लिया था अहमदाबाद से। पर सिमिलर काइंड ऑफ बहुत सारे सेट्स ऐसे मीशो में अवेलेबल है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगी। इसके अलावा मैंने ये छोटू छोटू सा स्टर पेयर किए हैं ये चोकर नेकलेस के साथ, जो मुझे काफी डिसेंट सा सोबर सा लुक रखना था, और चोकर ही मुझे हाईलाइट बनाना था। हेयर्स के साथ ये लुक काफी अच्छा जा रहा है। एंड साथ में मैंने पेयर किया ये ऑक्सीडाइज रिंग, मुसाफिर हूँ यारो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अलावा मेरे पास क्या क्या है। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो पता है ना क्या करना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डाउन बिलो, एंड गाइस फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल रियलिटी चेक बाय शेफ्रा। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इयररिंग्स, सब ढेर सारी इयररिंग्स मेरे पास है। शुरुआत करती हूँ इयररिंग के साथ, स्टार्ट करते हैं झुमका इयररिंग्स से। तो अभी फिलहाल में काफी रील भी ट्रेंड कर रही है झुमका, बहुत ही सुंदर वाले झुमके जो कि कलर्ड झुमके है। तो ऑक्सीडाइज में आजकल कलर्ड वाला काम भी बहुत आ रहा है। 300 में मैंने झुमकी लिया, और ये मैंने ली थी लाजपत मार्केट से, पर मैंने मीशो में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखी है। अगर मेरे को किसी भी प्रोडक्ट की लिंक मिली ना, सिमिलर लिंक मिलती है, तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, जरूर चेक करना। एंड लुक एट द झुमका, पूरा सिल्वर झुमका है, हल्का जो लोटस है यार, कितना अच्छा लग रहा है। सेकंड भी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेरी टैन झुमका, ये भी ऑक्सीडाइज झुमकी है, पर इसका जो कलर है ना बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज है। तो ये डार्क पॉलिश में है विद कुंदन लगे हुए। मेरे पास मल्टीपल वैरायटीज है, डार्क पॉलिश, लाइट पॉलिश, कलर्ड, ऑक्सीडाइज में बहुत सारी अलग अलग टाइप की ज्वेलरी है मेरे पास। तो ये भी मुझे ना कुर्तीज के साथ पहनना, या फिर मैं इस तरीके का कुछ आउटफिट पहन रही हूँ साड़ी, तो उनके साथ मेरे को इस टाइप के पेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मैंने लिया था एक लोकल मार्केट से, लाजपत से ही मैंने ये लिया था, और इसके लिए भी नियर अबाउट मैंने पे किए थे 300 रुपीज। उसके अलावा मेरे पास अगेन एक कलर में झुमकी है, ये भी सिल्वर में ही है। तो जो कलर्ड वाली ज्वेलरी होती है, मैंने देखा है कि सिल्वर बहुत ज्यादा मिल जाती है, और ऑक्सीडाइज में कलर्ड ज्वेलरी का लोग इतना खास आता भी नहीं, तो सिल्वर जर्मन में भी लेना प्रेफर करती हूँ। एंड ये भी बहुत डिसेंट सी नाजुक सी झुमकी है, बड़ा वाला गोल वाला स्टड पे झुमकी। ये भी ना मैंने अपने भाई की शादी के एक फंक्शन में ब्लू कलर के ड्रेस के साथ पेयर की थी, एंड इसके लिए मेरे को इतने सारे कमेंट आए थे। 400 के राउंड मैंने इसके लिए किया था पे, एंड लुक एट द गाइस कितनी सुंदर लगती है इनमें। उसके बाद ये छोटू वाला झुमका इयररिंग, जिसमें कि मंत्र लिखा हुआ है एंड घुंघरू लगे हुए, और ये छोटू सा झुमका। तो इसका साइज ना बहुत डिसेंट है, बिल्कुल मीडियम साइज की झुमकी है ये, और नॉर्मल कुर्तीज के साथ, प्लेन कॉटन कुर्तीज के साथ, तो ये इतनी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। झुमके है तो मेरे पास पर हर कैटेगरी के आपको झुमके देखने मिल जाएंगे। इवन अगर स्टर्ट का स्किप करके ये पहनना चाहूँ ना, तो ये भी इसके साथ बहुत अच्छी लगेंगी। एंड नाउअडेज झुमका एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेरी इन, ये मैंने लिया था हैदराबाद के शिल्पभ्रमण करके प्लेस है, वहाँ 12 महीने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वाली चीज़ें मिल जाती है। 4 साल उसको लेके हो गया है, पर कोई भी प्रॉब्लम मेरे को उसके साथ नहीं हुई ना। इसका कलेक्शन तो ऐसे ही बनता है, धीरे धीरे करके जोड़ते रहो। मेरा पर्सनल फंडा यही है कि ज्वेलरी धीरे धीरे करके लो, ओकेजन का वेट मत करो, कि जब भी ओकेजन आता है ना, अब जब ढूंढने निकलते हो तब आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मैं तो धीरे धीरे ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती रहती हूँ, मैं गुड क्वालिटी की ज्वेलरी लेने प्रेफर करती हूँ, जब ओकेजन आए तो मैं अपने ड्रेस के साथ अपनी ज्वेलरी फ्लॉन्ट कर पाऊँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट इयररिंग ऑक्सीडाइज में, जो कि है ये लक्ष्मी जी वाले झुमका इयररिंग्स। एंड लुक एट द इयररिंग्स, इतनी ब्यूटीफुल है। ग्रीन कलर की 3 झुमकी है लॉन्ग स्टाइल में, और यहाँ लक्ष्मी जी बनी है। तो हमने अभी तक सिर्फ टेम्पल ज्वेलरी में ही ऐसे वाले इयररिंग्स देखे लक्ष्मी जी वाले, पर ऑक्सीडाइज में भी ऐसे ज्वेलरी मिलती है, और ये भी मैंने हैदराबाद के एक मॉल से ली थी। इसके लिए मैंने पे की थी 600 रुपीज़,
बहुत अच्छी लगती है मेरे को साड़ीज के साथ एंड ड्रेस के साथ, सिर्फ इयररिंग्स डालो एंड देखो कितनी कूल लग रही है ना। अब मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी सेकंड फेवरेट इयररिंग्स ऑक्सीडाइज में, ये है पिकअप इयररिंग्स और यहाँ देखो ग्रीन कलर का मीना लगा हुआ है। रॉयल जर्मन में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है ये, पिकअप की फिनिशिंग देखो कितनी सुंदर है और ये छोटी सी झुमकी है और घुंघरू लगे हुए है, इतनी सुंदर लगती है। इसका जो ये फेदर वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है सारा वाला, ये बिल्कुल कान के इस साइड बैठता है और इतना अच्छा लगता है ये पहनने के बाद। ये भी कुर्तीज एंड साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये है मेरा रिसेंट बाय, ये सिल्वर जर्मन में कलर्ड स्टोन के साथ ये इयररिंग है एंड बीच में भी स्टोन लगा है। इसकी फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद। तो मैंने जो अपना खुद का स्पेस स्टार्ट किया कूल नारी, उसकी ही इयररिंग्स है, वहाँ मेरे पास सारी ज्वेलरी आपको मिल जाएंगे, टेम्पल ऑक्सीडाइज थ्रेड वाली बीडेड वाली। तो ये उसमें से ऑक्सीडाइज में से ये कलेक्शन है, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने खुद के लिए इयररिंग रखी। बाकी डिज़ाइन देखना है तो आप जाके मेरे इंस्टा हैंडल यानी कूल नारी पे देख सकते हो, आपको सारे डिजाइन्स मिल जाएंगी। तो अपार्ट फ्रॉम झुमकी मेरे पास है कुछ इस तरीके के लॉन्ग हुप्स टाइप ऑफ इयररिंग, पर ये हुप तो नहीं बोल सकते, इसका लुक बहुत डिफरेंट आता है और इसको मैंने स्टाइल भी किया है केलो चिकनकारी कुर्ते के साथ। तो ये मैंने ली थी सरोजनी से, बहुत ही कम प्राइस था इसका, 30 रुपीज़ की ये इयररिंग्स थी, पर इतनी अच्छी लगती है, इतनी कॉम्प्लीमेंट करती है। जो इसके घुंघरू वाला काम है ना इधर से इधर तक, और जो कलर्स दिए हुए, जो कलर भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, पेस्टल कलर है ऑरेंज ब्लू एंड पिंक, बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। उसके अलावा मेरे पास ये बहुत ही बेसिक से घुंघरू वाले हुप्स भी है, तो ये भी मैंने लिया था सरोजनी नगर मार्केट से और ये भी थे कुछ 30 रुपए के करीब करीब, काफी लेस एक्सपेंसिव है पर इसका लुक बहुत अच्छा है, बीडेड प्लस ऑक्सीडाइज तीनों चीजों का काम है और ये भी पहनने के बाद ना बहुत अच्छी लगती है। प्लेन सॉलिड कुर्तीज के साथ ना ये बहुत अच्छी जाती है, बस इसका जो एक बार मुझे पसंद नहीं आता है वो ये लटकाने वाला चीज, मुझे पर्सनली पसंद नहीं, बाकी बहुत लोगों को पसंद भी होता है, मुझे पर्सनली चीज पसंद नहीं, पर हाँ ठीक है ये इतनी हैवी है ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता। प्लेन सॉलिड आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी अब बढ़ते हैं ब्रासलेट की तरफ, तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन ब्रासलेट का भी है। सबसे पहले है मेरे पास ये पेयर ऑफ ब्रासलेट, तो मैंने इसका पेयर लिया है, कितनी फनी स्टोरी है। ये ब्रासलेट लिया था मैंने लाजपत से और ये लिया मैंने सरोजनी से, हल्का सा 19-20 का अंतर है पर समझ में नहीं आता पहनने के बाद। कुर्तीज में तो चलो एक हाथ में ब्रासलेट पहन लिया, एक हाथ में कुछ ना पहना, पर अगर साड़ी के साथ अगर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पेयर करनी होती है ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक हाथ में क्या पहने। उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि एक आधा ब्रासलेट का पेयर तो होना ही चाहिए कि दोनों हाथ पे अच्छे से बैठ जाए एंड लुक एट द लुक, कितना प्रिटी लग रहा है। इसको आप ना लेयर करके भी पहन सकते हो, दो ब्रासलेट एक साथ, देखिए इसका लुक भी काफी काफी अच्छा आ रहा है और सिंगल सिंगल में तो अच्छा लगता ही है। ऐसे ब्रासलेट साड़ीज में लोग एनहांस कर देते हैं, हाँ देखिए ना लोग कितना अच्छा है, काफी लाइट वेट है। ये ब्रासलेट मेरे को 100 to 150 के बीच कुछ तो बढ़ाता है, एग्जैक्ट प्राइस मेरे को भी फिलहाल में याद नहीं है, पर ऐसे ब्रासलेट भी काफी अच्छे लगते हैं। उसके अलावा मेरे पास है कुछ इस तरीके का घुंघरू वाला ब्रासलेट, तो इसके डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है और लुक भी बहुत प्रिटी है। ये भी अराउंड 100 to 120 के करीब करीब मेरे को पड़ा था, तो ये तो मेरे को ऑनलाइन में भी बहुत दिख रहे थे, इसका लुक भी काफ़ी रॉयल आता है, जो उसकी उभरी हुई डिज़ाइन है ना उससे जिसका लुक है काफ़ी एनहांस हो जाता है। सिंपल एक हाथ में भी पहना है तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, लुक कितना अच्छा लग रहा हैवी सा लुक आ रहा है इसका, एंड ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। उसके अलावा मेरे पास है कुछ ऑक्सीडाइज बैंगल्स घुंघरू वाली, नॉर्मल ये बैंगल्स भी कभी कभी ना स्टाइल करने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है, एक तो बजती बहुत, इसका साउंड बहुत अच्छा लगता है और लगती भी बहुत कूल है। उसके अलावा बहुत सारी प्लेन बैंगल्स के साथ ही इसको पेयर कर सकते हैं, फिलहाल में तो प्लेन बैंगल्स थे मेरे पास, पर इस तरीके के सिंगल सिंगल बैंगल्स भी मैं कभी दो पहनती हूँ कभी एक पहन लेती हूँ, तो इससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। ये है मेरा लास्ट ब्रासलेट और मेरा लेटेस्ट एडिशन, ये भी मैंने कूल नारी से ही रखा हुआ है, तो कूल नारी पे मैंने कुछ इस तरीके के ब्रासलेट भी लॉन्च किए थे, ज़्यादा पीसेस पे नहीं लाई थी इस बारी, 3-4 ही पीस लाई थी एंड एक दिन में ही वो हो गए सब आउट ऑफ स्टॉक। ऐसे ब्रासलेट भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये सिल्वर जर्मन में है, घुंघरू काफ़ी हैवी है एंड काफ़ी एक्सपेंसिव, ये थोड़े एक्सपेंसिव रेंज में है, ये अराउंड 400 मुझे पड़ा था, बहुत कूल लगते हैं और इनमें जो काम है ना सब मीना वाला काम है और आप इनकी क्वालिटी देख ही पा रहे होंगे, अगर आप इसकी क्वालिटी देख के थोड़ा समझ ही पा रहे होंगे कि इसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है एंड थोड़ा सा ये हैवी है, क्वालिटी है सिल्वर जर्मन है तो थोड़ा तो हैवी बनता ही है ना, पर इसका लुक देखिए ये अकेला ही बहुत काफ़ी है, तो रिंग की भी कोई नीड नहीं है, इसका लुक इतना अच्छा आ रहा है, बहुत तो मंजारन सा लुक है इसका
पोहो लुक क्रिएट करना है ऑक्सीडाइज के साथ, तो दिस इज अ परफेक्ट ब्रासलेट। ऐसा कुछ यार जरूर अपने कलेक्शन में रखना चाहिए, एक स्टेटमेंट पीस। अगर आपके पास अच्छा ज्वेलरी, आपके पास अच्छी इयर रिंग्स नहीं है, सेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, पर एक आधा शो स्टॉपर पीस होना चाहिए। मेरे को तो ये काफी ब्यूटीफुल एंड काफी कूल लगता है यार। इयर रिंग्स देख लिए, ब्रासलेट देख लिए, अब बात करते हैं नेक पीस की। सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाई दिया ये चोकर, उसके अलावा मेरे पास है कुछ इस तरीके का आजकल काफी चलने वाला ट्रेंडिंग अफगानी चोकर। दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी क्यूट। अभी रिसेंटली एक साड़ी वाली रील में गनगौर में मैंने एक साड़ी वेयर की थी पिंक कलर की, उसके साथ मैंने स्टाइल किया था ये चोकर, और अभी दिखाती हूँ आपको हल्का आइडिया देने के लिए। इस पर भी देखिए कितना सुपर्ब लग रहा है, पूरा फिट हो जाता है ये पूरा नेक पे, और इसके जो ये कलर वाले जो एलिमेंट है सब नीचे आते हैं, सब पे घुंघरू लगे हुए हैं, एंड काफी स्टाइलिश लगता है ये चोकर। वी नेक वाले ट्यूनिक टॉप्स हो या फिर ड्रेसेस हो, उसके साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, बहुत यूनिक लगते हैं। इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया था ये अमेजोन से, बहुत ही सुंदर सा ऑक्सीडाइज चोकर, और ये इतना अच्छा लगता है, जिसके डबल चिरना उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। एक तो फिटेड नहीं है, नॉर्मल है, और इतने अच्छे से ये फिट आ जाता है आपके नेक पे, पूरा नेक कवर कर देता है। इसकी इयरिंग भी बहुत प्रिटी है, और ज़्यादा महंगा नहीं था, अराउंड अंडर 400 ये सेट मेरे को मिला था। इसका लिंक अगर मिला ना डेफिनेटली शेयर करूँगी। साड़ी में ही इतना सुंदर लग रहा है, वी नेक टॉप ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो इस टाइप के पीसेस में भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी रिसेंट पे मैंने लिया है ये कंठा सेट, ये भी मैंने सरोजनी से ही लिया है, और ये भी बहुत स्टाइलिश लगता है पेयर करने के बाद। तो इसके इयरिंग्स इतने कुछ खास थी नहीं, पर इस सेट में को बहुत अच्छा लग रहा है। ऑक्सीडाइज में कुछ डिफरेंट है, आप इसको लॉन्ग करके पहन सकते हो, तो अगर आपको दो सेट लेयर करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि इसी में देख लो मैं अगर लेयर कर रही हूँ, चलो कितना रॉयल आ रहा है। तो अभी फिलहाल मैं तो मैंने इसे पहना नहीं, पर बहुत जल्दी इसको मैं स्टाइल करूंगी, कहीं तो प्लान है मेरा। ये सेट भी अंडर 300 ही था, पर मेरे को ना वर्थ लगा, और काफी हैवी है ये रिंग्स। वैसे तो मेरे पास ज्यादा है नहीं, मेरे पास बहुत लिमिटेड रिंग्स है, एक तो मुसाफिर हूँ यारो, उसके अलावा मेरे पास थे ये रिंग, तो ये भी कहीं से गिफ्ट ही आई थी ऐसे रिंग। अभी मैं सोच रही हूँ अफगानी रिंग्स में इन्वेस्ट करूँ, अफगानी रिंग लो काफी कूल लगती है, और ये रिंग मैंने ली थी राजकोट से, तो ऐसी कलर्ड रिंग्स भी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने रियलाइज किया कि एक जो इयर रिंग मैंने दिखाया है सिल्वर जर्मन, उसके साथ एक काफी अच्छा मैच कर रही है, और इसको भी अगर मैं लेयर कर रही हूँ ना तो ये भी काफी अच्छी लग रही है। सारी ज्वेलरी मैंने दिखा दी, वैसे तो ये ज्वेलरी नहीं है, है तो ये वॉच, पर ये सिल्वर कलर की वॉच बहुत अच्छी जाती है ज्वेलरी के साथ। एक हाथ में ब्रासलेट तो पहन ले, एक हाथ हो जाता है खाली, उस टाइम पे ये वॉच बहुत साथ देती है, ये लुक भी एक हाथ भर भी देती है, लुक भी एनहांस कर देती है, और बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाती है कि एक हाथ ने क्या पहनना है, तो सारे लुक के साथ ये बहुत परफेक्टली चले जाती है। ये वैसे तो ये था मेरे मदर इन लॉ की तरफ से गिफ्ट, पर काफी यूजफुल गिफ्ट था। तो ये थी मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन, होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। सो गाइज दैट इट्स फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक भी जरूर करना, अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, एंड गाइज फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। आई विल चेक फॉर शिप्रा।